हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैडम सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे इंग्लिश ऑनर्स पार्ट थर्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसे द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग। पर उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट और एक सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखता है हमारे लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग। द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग लॉर्ड डेविड सेसिल ने लिखा था, एक बहुत ही अच्छे एसेस्ट, बहुत ही अच्छे राइटर ने। द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग वॉज अ सेसिल इनॉग्रल लेक्चर। द फाइन ऑफ रीडिंग जो था एक इनॉग्रेशन वाला लेक्चर था, मतलब उन्होंने किसी चीज़ के उद्घाटन में लिखा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के उद्घाटन में 1947 में। लॉर्ड डेविड सेसिल जो थे वो गोल्ड स्मिथ के प्रोफेसर थे इंग्लिश लिटरेचर के, और उन्होंने ही जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हो रहा था, ऑक्सफोर्ड का इनॉग्रेशन हो रहा था, तो उन्होंने लॉर्ड डेविड सेसिल ने ये लेक्चर दिया था। फिर वहीं से ये फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग उठाया गया है हमारे एज अ एसे। लॉर्ड डेविल जो थे वो बहुत ही बड़े अच्छे ब्रिटिश बायोग्राफर थे, हिस्टोरियन भी थे और स्कॉलर भी थे। इस एसे में वो एक्सप्लेन करते हैं द गुड लिटरेचर के बारे में, मीनिंग ऑफ गुड लिटरेचर के बारे में, कि गुड लिटरेचर क्या होता है उसके बारे में। अब इसका समरी हम लोग पढ़ते हैं। ये समरी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है, ताकि आप इसको पढ़ के समझ भी सके और इसको याद कर सके और इसको अपने एग्जाम में भी लिख सके, ताकि आपको आसानी से अच्छे मार्क्स आ सके। द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग इज अ एसे दैट इज रिटन बाय लॉर्ड डेविड सेसिल। फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग जो है एक एसे है जो कि लॉर्ड डेविड सेसिल ने लिखा है। लॉर्ड डेविड सेसिल जो थे एक बहुत ही अच्छे ब्रिटिश बायोग्राफर, हिस्टोरियन, राइटर, थिंकर, स्कॉलर इंग्लिश लिटरेचर के थे। इन दिस एसे द ऑथर हैज़ एक्सप्रेस हिज ग्रेट थाट्स विथ रिगार्ड ऑफ फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग। इस एसे में लॉर्ड डेविड सेसिल ऑथर ने बताया है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया है, जो भी उनके थॉट्स हैं एक रीडिंग के एस्पेक्ट्स में उन्होंने उसे एक्सप्रेस किया है। ही सेज, वो कहते हैं कि दैट लिटरेचर इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ एकेडमिक अप्रोच एंड स्टडी। लिटरेचर जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पढ़ने लायक सब्जेक्ट है, हमें उसे सीखना पड़ता है, हमें उसे पढ़ना पड़ता है। इट कैरीज इंटेलेक्चुअल आइडियाज़, इसमें बहुत ही मतलब हैवी आइडियाज़ होते हैं, बहुत ही मतलब ऐसे जो नॉर्मल इंसान नहीं पढ़ सकते, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ्स, ऐसे प्रूवन ट्रुथ्स भी होते हैं उसमें। इट इज़ सब्जेक्टिव, सेंशुअल एंड हाईली पर्सनल। इसके अंदर जो थॉट्स होते हैं वो काफ़ी पर्सनल होते हैं, मतलब पीपल्स के जो इमोशंस होते हैं, उनके जो थिंकिंग्स होते हैं उस पे बेस्ड होता है। डेविड सेसिल एक्सप्लेन्स दैट लिटरेचर इज़ लाइक एवरी अदर ब्रांच ऑफ आर्ट। डेविड सेसिल ये भी बताते हैं कि लिटरेचर जो है वो हर ब्रांच, जो भी और सब ब्रांच होते हैं आर्ट के, बिल्कुल उसकी उसी के तरह है, जस्ट फॉर प्लेजर। लोग इसको अपने मन को अच्छा फील कराने के लिए पढ़ते हैं। दिस इज़ नॉन एज एस्थेटिक प्लेजर, और इसी को बोलते हैं, और लिटरेचर को बोलते हैं एस्थेटिक प्लेजर, मतलब जिसको पढ़ के बहुत ही ज़्यादा आनंद आ जाए, आप आनंद से तृप्त हो जाए, ऐसा प्लेजर। दिस डिफाइंस, ही डिफाइंस द करेक्ट टेस्ट इन लिटरेचर। और वो इसमें द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग में ये भी बताते हैं कि जो लिटरेचर का करेक्ट टेस्ट है वो कैसा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड डेविड सेसिल, लॉर्ड डेविड सेसिल के अनुसार, आर्ट इज़ नॉट लाइक मैथमेटिक्स। आर्ट कोई मैथमेटिक्स और फिलॉसफी की तरह नहीं है। द आर्टिस्ट फर्स्ट एम इज़ नॉट ट्रुथ बट डिलाइट। आर्टिस्ट का जो पहला एम होता है वो ये नहीं होता कि वो सब कुछ सच सच लिखे, वो बिना सही लिखे मतलब एक ऐसे या फिर एक लिटरेचर का कुछ नहीं बना सकता, ऐसा नहीं है। उसका फर्स्ट एम होता है वो कुछ ऐसा लिखे जिसे रीडर पढ़ के बहुत खुश हो जाए, जिसे रीडर्स को पढ़ने पर अच्छा लगे। इसलिए वो बताते हैं कि जो लिटरेचर है वो ना ही मैथमेटिक्स के तरह है ना ही फिलॉसफी के तरह है। रीडर्स जजमेंट इज़ द ओनली टेस्ट ऑफ वंस मेरिट। एक जो रीडर का जजमेंट है लिटरेचर का, लिटरेचर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है रीडर का जजमेंट, और जो लिटरेचर का जो सबसे बढ़िया मेरिट है वही है रीडर का जजमेंट ही है। इफ़ द रीडर इज़ प्लीज्ड बाई द एसे, अगर रीडर उसको पढ़ के खुश हो जाता है, इट डजेंट मैटर हाउ मैनी सो कॉल्ड रूल्स ऑफ आर्ट्स ही हैज़ ब्रोकन। तो उस राइटर ने ना जाने कितने
आर्ट्स के रूल को ब्रेक किया है, क्या गलत लिखा है सही लिखा है, ये मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है उस टाइम कि हाँ उस आर्टिस्ट ने जो भी लिखा उससे वो पढ़कर रीडर खुश हुए, वो रीडर को पढ़ने के बाद अच्छा लगा। द ऑथर नाइसली डिस्क्राइब्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। ऑथर ने ये भी बताया कि रीडर रीडिंग जो है उसका इम्पॉर्टेंस क्या होता है। ही सेज वो बताते हैं कि द फेथ, होप, चैरिटी, ह्यूमैनिटी एंड पेशेंस मस्ट बी किप्ड एज आइटम्स ऑफ रीडिंग लिटरेरी वर्क। कि एक जब आप रीडिंग करते हो, आप किसी लिटरेरी वर्क को पढ़ते हो, तो आपके अंदर फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, होप होना चाहिए, आपके अंदर एक मानवता की भावना होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, और पेशेंस भी होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला, आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए। मस्ट की अगर ये सब नहीं होता तो आपको रीडर बनने का कोई हक नहीं है। द रीडर्स मस्ट बी कमिटेड। रीडर जो भी पढ़ रहा है उसके लिए उसको कमिटेड होना चाहिए, पूरा समर्पित होना चाहिए, कंसंट्रेटेड भी होना चाहिए कि वो जो पढ़ रहा है बस वहीं पे उसका ध्यान रहे, पूरा डिवोटेड भी होना चाहिए। इफ़ द रीडर इज़ नॉट एक्टिव वाइल रीडिंग, अगर रीडर एक्टिव नहीं रहता, मतलब वो पढ़ रहा है और वो सोच कुछ और रहा है, अगर इस तरह से वो पढ़ रहा है तो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ द वर्क। तो उस जो रीडिंग वो जिस चीज़ को कर रहा है उसके अंदर की बातों को वो कभी नहीं समझ सकता। ये लॉर्ड डेविल सेसिल कहते हैं। और वो कहते हैं कि एवरी रीडर्स हु वॉन्ट्स टू रीड शुड बी हाईली एजुकेटेड। हर रीडर जो पढ़ना चाहता है, किसी चीज़ को समझना चाहता है, उसको बहुत एजुकेटेड होना पड़ता है, क्योंकि अगर वो एजुकेटेड नहीं होगा तो वो जो शायद उसमें जो उस भी हार्ड वर्ड्स या जो भी टफ टॉपिक्स होंगे जिसके बारे में वो बात कर रहा होगा राइटर, तो उस चीज़ को वो नहीं समझ पाएंगे, उसके अंदर के थॉट्स को वो नहीं समझ पाएंगे और अपने थॉट्स से उसको कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसको हाईली एजुकेटेड होना चाहिए। ही शुड बी इंटरेस्टेड इन लिटरेचर। उसको लिटरेचर में इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब उसको पढ़ना अच्छा लगना चाहिए। एंड ही शुड बी ग्रेजुअली अ लिटरेरी मैन। और धीरे धीरे अगर उसको शुरू में थोड़ा अच्छा लग रहा है और वो पढ़ने बैठेगा मन लगा के कंसंट्रेशन के साथ, तो वो धीरे धीरे उसको भी एक लिटरेरी मैन का नाम दे दिया जाएगा। ही शुड हैव मच वोकैबुलरीज। उसकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। द वर्ड पावर शुड बी स्ट्रॉन्ग। नॉलेज होना चाहिए उसको ग्रामर का, क्योंकि अगर वो जो भी सेंटेंस होगा उसके मीनिंग्स को नहीं समझ पाएगा तो फिर क्या समझ पाएगा वो पढ़ने के बाद। और उसके पास होना चाहिए इतना नॉलेज ताकि वो उस लिटरेरी वर्क को इन्जॉय कर सके। ऐसा ना हो कि वो पढ़ने बैठा तो वर्ड सर्च, अब बीच में वर्ड आया उसको समझ नहीं आ रहा है तो वो कहीं से देख रहा है सुन रहा है, तो इस बीच में ब्रेकेज आ जाता है और जो रीडर है उसका मन जो है वो कहीं और डिवाइड हो जाता है। इसलिए उसके पास पहले से इतना नॉलेज होना चाहिए। इट इज़ रॉन्ग टू रैंक द आर्टिस्ट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। लॉर्ड डेविस सेसिल ये भी कहते हैं कि लिटरेचर के फील्ड में किसी भी आर्टिस्ट को रैंक करना, मतलब कि ये आर्टिस्ट ज़्यादा अच्छा है, ये आर्टिस्ट कम अच्छा है, ये बहुत गलत होगा, क्योंकि हर आर्टिस्ट जो भी एज इच आर्टिस्ट आंसर्स फॉर हिमसेल्फ। हर आर्टिस्ट जो भी अपना लिखता है वो अपने लिए लिखता है, वो अपने सोच के अकॉर्डिंग लिखता है, ना कि वो किसी और के कंपेरिजन में लिखता है। वो हर आर्टिस्ट के कुछ अपने पर्सनल क्वेश्चन होते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग देते हैं कि वो क्या सोचते हैं, वो अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग देते हैं। इसलिए वी शुडंट एवर कंपेयर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एवरी फॉर्म हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन। और हमें लॉर्ड सेसिल ये भी कहते हैं कि हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर फॉर्म के राइटर का जो फॉर्म है, कोई एक अच्छा राइटर है कॉमेडी के फील्ड में, कोई रोमांटिसिज्म के फील्ड में अच्छा है, तो सबके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे कि एक राइटर जो कि कॉमेडी के फील्ड में है, वो अगर ट्रेजेडी के रीडर्स के बारे में लिखने लगा, वो जिसको ट्रेजेडी बहुत पसंद है जिन रीडर्स को, उनको कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कॉमेडी लिख रहा है और कॉमेडी उनको पसंद नहीं है। तो इसीलिए हर राइटर का जो लिमिटेशन होता है हमें उसको समझना चाहिए, कभी उसके बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। द राइटर्स ऑफ अ कम्युनिटी कैन नॉट सेटिस्फाई द राइटर्स रीडर्स ऑफ अदर कम्युनिटी। तो एक राइटर है कम्युनिटी का, वो दूसरे कम्युनिटी के रीडर्स को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ये हमें समझना चाहिए। इन लिटरेचर वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। लिटरेचर में टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट, अभी क्या चल रहा है, कल क्या चलेगा, ये भी बहुत मायने रखता है। हो सकता है कि आज के जो जनरेशन के लोग हैं उनका थिंकिंग
कुछ और है किसी पर्सपेक्टिव के बेसिस पे, और जो पहले के थे उनका कुछ और है, जो आने वाले हैं कुछ और होगा। इसीलिए हमें लिटरेचर में जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें टाइम को समझना चाहिए कि ये पास्ट की बातें हैं, जनरेशन बदल रहा है, और ये प्रेजेंट की बातें हैं। पास्ट में लोगों की थिंकिंग इस तरह थे तो उसी के बेसिस पे राइटर ने लिखा है, और आज प्रेजेंट के लोगों की थिंकिंग इस तरह है तो उसी के बेसिस पे राइटर ने लिखा है। तो हमें कभी प्रेजेंट पास्ट या फिर प्रेजेंट में ही राइटर्स को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, कभी रैंक नहीं करना चाहिए। एज वो कहते हैं कि एवरी एज हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, हर एज का अपना एक लैंग्वेज होता है, एंड इट्स ओन वेज टू पुटिंग थिंग्स, और अपने एक वेज होते हैं बातों को बताने का और बातों को समझाने का। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एसे ऑफ लॉर्ड डेविसस। अब राइटर जो है ये उनका सबसे बेस्ट एसे है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एसे है। दिस इज इन दिस ही एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ गुड लिटरेचर, जिसमें वो एक अच्छे लिटरेचर को कैसा होना चाहिए वो बताते हैं। ही इज़ ऑल्सो कंपेयर्ड विद T.S. Eliot, और उन्हें लॉर्ड डेविल सेसल को T.S. Eliot से भी कंपेयर किया गया है, क्योंकि एज बोथ ऑफ देम गिव इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्जॉयमेंट ऑफ लिटरेचर, क्योंकि दोनों जो हैं वो लिटरेचर को बस पढ़ना नहीं, उनको पढ़ के इंजॉय करना सिखाते हैं। दोनों बताते हैं कि लिटरेचर को बस पढ़ने से कुछ नहीं होता, उन्हें हमको पढ़ के समझना चाहिए, उन्हें हमको पढ़ के इंजॉय करना चाहिए। तो यही था हमारा, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और इसका PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना।